स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप पहाड़ प्रभात, मैं हूं आस्था कौशिक। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम योगी के आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की है। 21 सालों से अटके परिसंपत्ति आवंटन को लेकर यह मुलाकात हुई है। 21 सालों से 20,000 करोड़ की संपत्ति पर यह विवाद अटका हुआ है। अगले साल यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बार फिर से दोनों प्रदेशों के बीच में 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक में परिसंपत्ति को लेकर चला रहा विवाद भी सुलझ सकता है और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। आपको बता दें कि यूपी से उत्तराखंड अलग होने के दौरान करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जो विवादास्पद है और अभी तक इसको सुलझा नहीं पाया गया है। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। दोनों ही सूबे के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मिले और पौधा भेंट किया है पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ को। और आज कहा जा रहा है कि मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उसके बाद 20,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद दोनों ही प्रदेशों के बीच में चला आ रहा है। ये परिसंपत्ति विवाद है, आज तक इसे सुलझाया नहीं जा सका है। इसके तहत बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट, कुछ जमीनें और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका बंटवारा दोनों प्रदेशों में होना था। उस पर कुछ क्लेम्स यूपी के हैं और कुछ उत्तराखंड के हैं, तो इस परिसंपत्ति को जल्द सुलझा लिया जाएगा, इसकी कवायद अब तेज हो गई है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम विवेक त्रिपाठी के पास आपको लिए चलते हैं। विवेक, 20,000 करोड़ से ज्यादा की यह परिसंपत्ति है, दोनों ही सूबों का अपना अपना क्लेम है, लेकिन आज की यह मुलाकात क्या वाकई कोई सकारात्मक परिणाम निकाल पाएगी, क्योंकि कोशिशें पहले भी हुई हैं? बिल्कुल आशा, ऐसा लग रहा है कि आज की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और आज जो निर्णय होना है वो एक हल निकल आएगा। सर्वमान्य हल जिसका 21 साल से इंतजार किया जा रहा था वो आज निकल सकता है, क्योंकि इसके पहले या तो उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश या फिर केंद्र, तीनों जगह पर एक साथ भाजपा सरकार नहीं थी। उत्तराखंड में अगर भाजपा सरकार थी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो संयोग आया है कि तीनों जगह पर एक ही भाजपा सरकार का होना और उसके बाद इस विवाद का हल निकलना है, बहुत बड़ा संयोग है। और आज जो बैठक हो रही है, अभी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर अंदर पुष्कर सिंह धामी कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में तय किया जाएगा कि जो परिसंपत्तियों का विवाद है, जो जमीनें हैं, जो संसाधन हैं, जो पानी है, इसके अलावा जो परिवहन की संपत्तियां हैं, तीन महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, एक तो जल शक्ति का बंटवारा होना है और उसके जो भवन हैं, तमाम बांधों के जो भवन हैं, तमाम डैम कोठी जैसे हैं जो गेस्ट हाउस हैं उनका बंटवारा होना है, इसके अलावा परिवहन की संपत्तियों का बंटवारा होना है। कानपुर में एलएन फॉरेस्ट है, लखनऊ में टेढ़ी कोठी है जो परिवहन निगम का मुख्यालय भी है प्रदेश का, इसके अलावा दिल्ली में अजमेरी गेट में जो संपत्तियाँ हैं उनका बंटवारा होना है, और जो इसके अलावा जो सिंचाई विभाग की ज़मीनें बहुत सारी हैं उनका भी बंटवारा होना है। तो इनके संबंधित विभागों के मंत्री भी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ में हैं और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ के साथ में भी कुछ मंत्री मौजूद हैं और जो प्रशासनिक मशीनरी है यानी मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे बैठक में, ऐसा बताया गया है। ये विवाद आज अगर हल हो जाता है तो धामी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिला है, छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तराखंड के चुनाव भी सर पर हैं। अगर इस कार्यकाल में, अपने छोटे से कार्यकाल में वो इस विवाद को हल कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उत्तराखंड सरकार के लिए भी उपलब्धि होगी और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक बड़ा राजस्व का हिस्सा उत्तराखंड आने लगेगा जो अभी उत्तर प्रदेश के पास आ रहा है। सिर्फ आपको बताएं कि जो टिहरी डैम है वहाँ से सिर्फ 12% उत्तराखंड को राजस्व का हिस्सा मिलता है, माफ कीजिएगा रॉयल्टी मिलती है, लेकिन जो 1,000 से 1,200 करोड़ के आसपास का जो राजस्व है वो उत्तर प्रदेश के खाते में आता है। तो बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका जो विवाद है वो काफी समय से दोनों ही प्रदेशों के बीच में है और आज एक उम्मीद बंधी है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जिस तरह से मिल रहे हैं ये मुलाकात जरूर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। रुक करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 21 साल हो गए, आखिर पेच फंसा कहां रहा? परिसंपत्ति है, 20,000 करोड़ का मामला है, राजस्व से जुड़े हुए भी कई मुद्दे हैं, तो अभी तक इसे सुलझाया क्यों नहीं जा सका?
आस्था, देखिए जैसे मेरे सहयोगी ने लखनऊ से विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि पहले सरकारें विभिन्न अलग अलग दलों की केंद्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन चूंकि ये टोटली पॉलिटिकल लीडरशिप के पेन लेने की स्थिति होती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से, किस नज़रिए से आगे बढ़ती है, उसका उसी से आगे का मतलब निकलता है, उसी के निहितार्थ होते हैं। बाकी ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम करती रहती है। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी का काम बस खाली यही होता है कि विभागवार ये बता दी जाए कि उत्तर प्रदेश पर कितनी देनदारी है, तो उन्होंने वो बता एक चार्ट बनाकर मुख्यमंत्री को इस बार भी थमा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आज तक बंटवारा क्यों नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि बीसीओ बैठकें हो चुकी हैं और इस राज्य के, इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जब उत्तर प्रदेश में भी 5 साल से है, उत्तराखंड में भी 5 साल से है, और पिछले 7 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तीनों जगह। चूंकि ऐसा होता है कि जब दो राज्यों के बीच संपत्तियों का बंटवारा होता है तो उसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार को करना होता है, तो कहीं व्यवधान की कोई स्थिति ही नहीं है। और आखिरी जो बैठक थी वो अक्टूबर 2019 में हुई थी, सितंबर 2019 में, और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत लखनऊ गए थे, उसके बाद एक बार मुख्यमंत्री योगी देहरादून भी आए थे, तो तीन बैठकें इससे पहले हो चुकी है 5 साल में। लेकिन स्थिति यह है कि जो 2019 में जो बैठक हुई थी, लास्ट बैठक थी, उसके उस पर जो सहमति बनी थी उसके जीओ भी आज तक जारी नहीं हो पाए। हालत यह है कि कुछ नहरें जो उत्तराखंड से निकलती है, यानी उनके हेड और टेल दोनों ही उत्तराखंड में, उसका स्वामित्व भी उत्तर प्रदेश के पास है। ये केवल और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है आस्था, कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को सुलझा ले, चूंकि देनदारी उत्तर प्रदेश पर है, वहाँ किस तरह का दबाव है, यहाँ से कितनी पैरोकारी हुई है। और सही बात तो यह है कि उत्तराखंड से इससे पहले बहुत गंभीरता के साथ इस मामले को लेकर कोई पैरोकारी भी नहीं हुई। बैठकों का दौर शुरू हुआ, बैठकें होती रही, कभी लखनऊ में, कभी देहरादून में, कभी दिल्ली में, लेकिन आज की जो बैठक है, जैसे विवेक ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी की अस्मिता का भी ये सवाल है, उसको जितनी कम समयावधि के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको, तो उनके लिए भी एक कसौटी पर खरा उतरने का वक्त है कि वो चुनाव में उन्हें कुछ तो बताना ही होगा पब्लिक को कि उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों के बंटवारे के तहत हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, और इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश भी करेगी। अगर इसमें विफलता मिली तो कांग्रेस इस मामले को पूरा एजेंडा बनाकर चुनाव में जाएगी। जी आस्था, बिल्कुल, आप दोनों नजर बनाए रखिए लखनऊ और देहरादून से, इस खबर के हर पहलू को समझने के लिए आगे भी हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये तस्वीर लखनऊ से आई है, ताजा तस्वीर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं लखनऊ, और उनको भेंट स्वरूप ये पौधा उन्होंने दिया है। दोनों ही सूबे के सीएम आज बैठेंगे और इस परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की दिशा में चर्चा करेंगे। किस सालों से अटके हुए इस परिसंपत्ति आवंटन के विवाद का जल्द अंत हो, ऐसा दोनों ही पक्ष चाहते हैं और संकेत मिलते रहे हैं, लेकिन दो दशक गुजर जाने के बाद भी पेच फंसे ही रहे। पर अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या यह विवाद सुलझता है या एक बार फिर से पूर्ण विराम न लग के कौमा लगा रह जाता है। देहरादून से अगली बड़ी खबर, 28 नवंबर को हरिद्वार आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। छात्रों को उपाधि और गोल्ड मेडल देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं, 28 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि आ रहे हैं। इसके पहले दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट महामहिम शामिल होंगे और छात्रों को उपाधि और गोल्ड मेडल देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगे। 28 नवंबर को हरिद्वार आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे, छात्रों को गोल्ड मेडल और उपाधि देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ होंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अट्ठाईस नवंबर को हरिद्वार आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनका कार्यक्रम, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च के तहत पदयात्रा निकाली है। इस दौरान हरीश रावत ने ननहेड़ा के इकबालपुर शुगर मिल तक पैदल मार्च किया। प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे।
हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है और इसीलिए गन्ना की खरीद का मूल्य घोषित करने में देर हो रही है। अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और साफ जाहिर इससे होता है कि किसानों की समस्या को सुलझाने में वो नाकाम है। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है, इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिला है। कोठियाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे, ये बड़ा दावा किया गया। कर्नल कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो भी निकाला और एक जनसभा की। कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता इस दौरान ग्रहण भी की। और आइए अब आपको बताते हैं कि गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए कर्नल कोठियाल दरअसल हैं कौन, उनका प्रोफाइल आपको बताते हैं। आपने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में उनका सराहनीय योगदान रहा। कोठियाल ने भारतीय सेना में 26 साल तक सेवा दी है। कोठियाल को कीर्ति चक्र से लेकर शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि एक मिथक चला आ रहा है कि गंगोत्री सीट से जिस पार्टी का विधायक चुनकर आता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। क्या रहा है गंगोत्री सीट का पिछला समीकरण, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2002 से। गंगोत्री सीट से विजय पाल सजवाण कांग्रेस के टिकट से जीते, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद बारी आई 2007 की, जब विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा के टिकट पर गोपाल सिंह रावत जीते, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। 2012 की बात करें तो विजयपाल सजवाण कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 में गंगोत्री सीट से गोपाल सिंह रावत भाजपा के टिकट पर जीते तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। तो भाजपा में टिकट बंटवारे पर सोशल मीडिया की अहम भूमिका इस बार रहने वाली है। सोशल मीडिया में लोकप्रियता को भी टिकट का आधार बनाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि भाजपा ने टिकट बंटवारे में किन बातों का ध्यान रखा है, वर्तमान विधायक और दावेदारी कर रहे नेताओं की सोशल मीडिया में कितनी पकड़ है, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नेताओं की क्या भूमिका रही है, कितने लोग नेताओं को फॉलो करते हैं, नेताओं के पोस्ट पर किस किस तरह के कमेंट आते हैं, इन सब बातों की सोशल मीडिया टीम मॉनिटरिंग करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो 30%, मैदानी क्षेत्रों में 70% फॉलोअर तक का मानक रखा गया है। तो टिकट बंटवारे पर किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, इस बार सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका होने जा रही है। यह जज किया जाएगा कि किस विधायक या फिर जो दावेदारी कर रहा है उसकी सोशल मीडिया में कितनी पकड़ है, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर क्या भूमिका उनकी रहती है, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग इन नेताओं को फॉलो करते हैं और उनकी पोस्ट पर किस तरह के कमेंट्स आते हैं, इन सब बातों की सोशल मीडिया टीम मॉनिटरिंग करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो 30%, मैदानी क्षेत्रों में 70% फॉलोअर्स का मानक रखा गया है। तो इस बार भाजपा जिन कैंडिडेट्स को टिकट देगी उनमें इस आधार को भी परखा जाएगा। पंकज राणा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, इस बार सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग में हमने इसका असर, इसका इस्तेमाल देखा है, बल्कि इस बार तो टिकट बंटवारे में मानक तय कर दिए गए हैं इसके आधार पर।
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि हर फील्ड में सोशल मीडिया को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा रहा है, उसी को देखते हुए भाजपा ने ये इस बार फार्मूला अपनाया है कि जो सोशल मीडिया है उसमें किस तरह से जो नेता है, स्थानीय नेता है, उनकी पकड़ रही है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इन सब पर किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, अपनी जो जनप्रतिनिधि के तौर पर किस तरह से वो जनता के बीच में रहे हैं, अपनी जो सरकार की नीतियां रही है उन्हें किस तरह से जनता के बीच में रखकर, बड़ी बात यह है कि उनके कमेंट्स किस रूप में जिन लोगों ने किए हैं, उनको किस तरह से कमेंट्स उसको किए गए हैं, उन कमेंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। भाजपा ने एक टीम गठित की है सोशल मीडिया की, वो टीम पूरी तरह से इन जो कमेंट्स किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कि भाजपा के जो विधायक हैं वर्तमान और जो दावेदार नेता हैं उनको किस रूप में जनता ने सोशल मीडिया पर लिया है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बड़ी बात है कि इस बार क्योंकि भाजपा ने ये फार्मूला तय किया है कि सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका रहता है, चाहे आप कैंपेनिंग की बात करें या किसी तरह से दूसरे विपक्षी पार्टी के नेताओं को पीछे हटाने की बात करें, तमाम चीजें कैंपेनिंग का रूप इस बार सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। इसी को देखते हुए भाजपा ने यह फार्मूला तय किया है कि सोशल मीडिया की टीम इन सभी बातों की मॉनिटरिंग करेगी, जो विधायक हैं और जो दावेदार नेता है वो किस रूप में जनता के बीच में सोशल मीडिया के रूप में पसंद किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, उनको जो कमेंट्स किए जाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या अन्य तरीके से उनके कमेंट्स किस रूप में रहते हैं, तो सभी चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और जिस तरह से अभी जानकारी मिली है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इसका 30% का फार्मूला तय किया गया है, और मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में जो फार्मूला है वो 70% का फार्मूला मानक तय किए गए हैं, तो इस आधार पर ये एक रूप रहेगा और भाजपा की जब टिकट बंटवारे का तय होगा तो इसको इसमें रखा जाएगा और फिर उसके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, तो टिकट बंटवारे में इस बात का खास ख्याल इस बात पर होगा कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर कितने फॉलोअर हैं, किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और किस तरह उस नेता की छवि है सोशल मीडिया पर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज। और अब खबर टिहरी से है, जहां चुनावी दौरे पर पहुंची भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रेखा वर्मा ने भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की और इस मौके पर करीब 500 से अधिक जनप्रतिनिधियों और अन्य पार्टियों से जुड़े लोगों ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया। रेखा वर्मा ने अपने संबोधन में ये कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में आगामी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आगे बढ़ते हैं रुड़की से अगली खबर। परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, अनिश्चितकालीन के लिए उन्होंने कार्य का बहिष्कार का ऐलान किया है। कर्मचारी कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। कार्य बहिष्कार से ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी ट्रांसफर के काम बाधित हो रहे हैं। एआरटीओ में काम के लिए आ रहे लोगों को लौटना पड़ रहा है वापस, तो लोगों के काम नहीं हो रहे क्योंकि कर्मचारी कार्यालय परिसर में ही धरना दे रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। सोमेश्वर विधानसभा में पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह होगा। अजय भट्ट करेंगे पूर्व सैनिकों का सम्मान। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी इसमें शामिल होंगी। तो अजय भट्ट करेंगे पूर्व सैनिकों का सम्मान, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। सोमेश्वर विधानसभा में पूर्व सैनिकों का यह सम्मान समारोह होने जा रहा है। बड़ी खबर जोशीमठ से, पंच पूजा का आज तीसरा दिन है। आज बद्रीनाथ धाम में खड़क पुस्तक भी बंद होगी। आज से बद्रीनाथ धाम में नहीं गूंजेंगी वेद ऋचाएं। बद्रीनाथ धाम में कल 1428 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक 1,84,369 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। आज से बद्रीनाथ धाम में नहीं गूंजेंगी वेद ऋचाएं। बद्रीनाथ धाम में कल 1428 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक 1,84,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। पिथौरागढ़ से सटे नेपाल के गांव में जनगणना करने के लिए नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से भारतीय सीमा में आने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि तिंकर छागरू भारत सीमा में स्थित है और गांव में जाने के लिए भारतीय सीमाओं का उपयोग करना पड़ता है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि नेपाल सीडीओ ने पत्र भेजकर जनगणना करने की अनुमति मांगी है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है, जैसे कई निर्देश प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के माध्यम से जो हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है उस पर विचारार्थ हमारे द्वारा शासन स्तर पर ये पत्र प्रेषित किया गया और शासन स्तर से जो भी निर्देश हमें प्राप्त